अभी हाल ही में चाइना ने जो है अपनी एयरफोर्स में पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन जो है शामिल कर लिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना के पास तो आ गया, हमारे पास कब आएगा? उस पर जो है थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस समय जो है जो ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका के F-22 रैप्टर का। इसके बाद आ जाता है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग, और अभी हाल ही में चाइना का जो है चेंगड़ू J-20 जो है शामिल हो गया है। ये तीन जो है ऑपरेशनल फाइटर प्लेन है फिफ्थ जनरेशन के। इसके अलावा रशिया का Su-57 है जो कि अभी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जिसको नहीं मिला हुआ है, और इंडिया जो है, भारत जो है, अपना खुद का जो है AMCA बना रहा है जो कि फिफ्थ जनरेशन का है, लेकिन ये अभी सिर्फ जो है ड्राइंग बोर्ड पर ही है। तो इस समय जो सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन फिफ्थ जनरेशन का जो ऑपरेशनल है वो है अमेरिका का F-22 राप्टर। इसका रडार सिग्नेचर जो है बहुत ही छोटा है, 0.01 स्क्वायर मीटर का, यानी कि एक मार्बल के साइज़ के बराबर जो है ये प्लेन जो है दुश्मन के रडार पे दिखता है, और ये काफ़ी महंगा भी है। 340 मिलियन जो है एक प्लेन का कॉस्ट होता है। अमेरिका जो है पहले 750 इस तरह के प्लेन अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन लागत इतनी ज़्यादा है, कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उसके बाद जो है उसने 187 पर ही ब्रेक लगा दिया है और प्रोडक्शन लाइन जो है बंद कर दी गई है। तो ज़्यादा लागत के कारण अमेरिका भी इसको ज़्यादा शामिल नहीं कर रहा है। दूसरा प्लेन आ जाता है फिफ्थ जनरेशन का F-35 लाइटनिंग 2। अब ये जो है F-22 का एक सस्ता वाला वर्जन है। F-22 यहाँ पे ट्विन इंजन वाला है, ये एक सिंगल इंजन वाला फाइटर प्लेन है। इसमें भी दो तीन इसके वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट है F-35A जिसमें कि कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम है। एक है F-35B जो कि खास तौर पे नेवी के लिए है जिसमें शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग फीचर है, और F-35C जिसमें जो कि अगेन एक नेवल प्लेन है, इसमें जो है कैटापोलट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम है। इसका कॉस्ट जो है, लागत जो है काफ़ी कम है F-22 के मुकाबले। 94 मिलियन जो है एक यूनिट का प्राइस है, और आने वाले कुछ सालों में जो है ये प्राइस जो है गिर के 80 मिलियन तक हो सकता है। अब आते हैं चाइना के J-20A ब्लैक ईगल पे। ये भी एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका इंजन जो है वो कम पावर का है। इस प्लेन में जो है रशिया का एनपीओ सैटन AL-31F इंजन जो है लगा हुआ है। अब ये जो इंजन है ये कम पावर का है। अब कम पावर का होने के कारण इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये सुपर क्रूज बिना आफ्टर बर्न के नहीं हो सकता। तो जब आपको एक सुपर सोनिक स्पीड पर आपको जब चलना है तो आफ्टर बर्न की यहाँ पे ज़रूरत होती है, और जब प्लेन आफ्टर बर्न मोड में आता है तो उसके इंजन के पीछे से जो है आग जैसी निकलने लगती है, और ये जो हीट है इसके स्टेल्थ फीचर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो ये हीट के कारण जो है वो दुश्मन के हीट सीकिंग इंफ्रारेड रेडार की पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टेल्थ फीचर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कम पावर के इंजन के कारण। चाइना जो है इसके इंजन का पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना एक नया इंजन बनाने में लगा हुआ है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आगे देखना है क्या होता है। एक और फाइटर प्लेन जो फिफ्थ जनरेशन का है जो 1-1.5 साल में आ जाएगा वो है Su-57। इसमें भी जो है वही इंजन वाली प्रॉब्लम है, ये भी जो है सुपर क्रूज नहीं हो सकता बिना आफ्टर बर्न के। तो यहाँ पे भी स्टेल्थ फीचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सुपर क्रूज वाली स्पीड पर। रशिया जो है इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, वो भी नया इंजन डेवलप कर रहा है जिसका नाम प्रोडक्ट 30 रखा गया है। अब ये इंजन जब बन जाएगा उसके बाद ही जो है ये प्लेन जो है कम्प्लीटली फिफ्थ जनरेशन वाला प्लेन हो पाएगा। तो अब हम आते हैं हमारी सिचुएशन क्या चल रही है। तो हमारी सिचुएशन ये है कि हमने रशिया के साथ जो है एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने का एग्रीमेंट 2010 में साइन किया था, जिसके डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने 295 मिलियन जो है रशिया को दिए भी थे। इसका जो डिज़ाइन है वो रशिया की सुखोई और हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है दोनों मिलके बनाने वाले थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि हमारी एयरफोर्स जो है रशियंस के बिहेवियर से, रिस्पॉन्स से काफ़ी नाराज़ है। जब हम 50% पैसा दे रहे हैं, हम
डेवलपमेंट में को पार्टनर हैं तो फिर हमको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलना चाहिए। रशिया जो है हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है, लिमिटेड लेवल पर ही कॉपरेट कर रहा है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में तो हमारे पायलट्स को जो उसने प्रोटोटाइप को भी नहीं उड़ाने दिया था। और जो इम्प्रूवमेंट हमारी एयरफोर्स ने कहे थे करीब 43 इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुए हैं। तो हमारी एयरफोर्स चाहती है कि ये डील जो रशिया के साथ की गई है इसको रद्द कर दिया जाए। और इस प्लेन में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसी के कारण जो है रशिया भी सिर्फ 12 ही अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा और ज़्यादा नहीं करेगा, और इसकी जगह जो है वो और ज़्यादा सुखोई 35 और सुखोई 30 जो है इंक्लूड करेगा। इसका रडार सिग्नेचर जो है उतना अच्छा नहीं है, 0.5 स्क्वायर मीटर का आ जाता है, जो कि F-22 जैसे प्लेन के मुकाबले काफ़ी इन्फीरियर हो जाता है। हमने जो है रशिया के साथ सिर्फ डिज़ाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अभी हमें डेवलपमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और ये काम जो है अभी तक होता दिख नहीं रहा है। रशिया जो है इसके लिए 3 बिलियन मांग रहा है, और साथ में ये भी कमिटमेंट चाहता है कि हम 100 से ज़्यादा प्लेन जो है ऑर्डर करें। तो कई जगह जो है बात अटकी हुई है, हमारी एयरफोर्स जो है नाराज़ है, हमें उतना टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं मिल रही है, उतना जो है पार्टनर होने के नाते जो है 50% पार्टनर होने के नाते जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, और वो फीचर्स भी जो चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी एयरफोर्स नाराज़ है और वो चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए रशिया के साथ। तो ये प्रोजेक्ट अगर ख़त्म किया जाता है तो $295 मिलियन का हमारा नुकसान होगा, लेकिन जो है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ये कर देना ही ठीक रहेगा। अब आते हैं हम अपने AMCA पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले फीचर्स जो हैं वो डेवलप कर लिए गए हैं इन हाउस में। तेजस में हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमने जो है वहाँ पे कार्बन कंपोजिट का यूज़ करते हुए तेजस को भी काफ़ी स्टेल्थी बनाया है, अपनी कैटेगरी के मुकाबले जो है वो काफ़ी स्टेल्थी प्लेन है। हम इसके इंजन पर भी काम कर रहे हैं, DRDO की जो GTRE लैब है वो K9 इंजन बना रही है फ्रांस के सपोर्ट के साथ, और अगर ये इंजन नहीं बन पाता है किसी कारण से टाइम पे तो शायद जो है हम GE का F414 इंजन भी ले सकते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ये 2030 तक आ जाएगा। तो अभी बात करें तो सिर्फ अमेरिका के पास ही जो है ट्रूली 5th जनरेशन ऑपरेशनल फाइटर प्लेन है, रशिया और चाइना का है, लेकिन उसमें इंजन जो है उतना अच्छा नहीं है और उतना अच्छा रडार क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो उतना अच्छा स्टेल्थ फीचर्स नहीं है, इंजन की प्रॉब्लम है। और हर देश के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका लागत बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो चाहे अमेरिका हो या रशिया कोई भी देश जो है इस तरह के प्लेन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। हमारी डील जो है रशिया के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए अटकी हुई है, और हमारा AMCA प्रोजेक्ट है वो 10 साल से ज़्यादा लेने वाला है। तो अभी दूर दूर तक जो है कोई विजिबिलिटी नहीं दिख रही है कि हमारे पास जो है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कब आएगा। कुछ विकल्प हैं हमारे सामने, वो हम अपना सकते हैं। एक ये है कि हम राफेल को ज़्यादा खरीद लें, तो राफेल में बहुत सारे फीचर्स हैं 5th जनरेशन वाले, जैसे AESA रेडार है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, थ्रस्ट वेक्टरिंग है, सेंसर फ्यूज़न है, इस तरह के कई फीचर्स जो कि 5th जनरेशन प्लेन में होते हैं इसमें भी है। तो अगर हम बोलें तो राफेल में एक चीज़ जो मिसिंग हो जाती है 5th जनरेशन वाली वो है स्टेल्थ वाली, इसके अलावा लगभग आपको सारी चीज़ें जो है 5th जनरेशन वाली राफेल में मिल जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राफेल खरीद लें। एक और विकल्प जो हमारे पास है वो ये कि हम अमेरिका से F-35A जो है खरीद लें, तो ये थोड़ा सा राफेल के मुकाबले सस्ता भी है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपने AMCA प्रोजेक्ट में जो है पूरी जान लगा दें और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं कुछ मीडिया हाउसेस से आई हैं कि भारत ने जो है अमेरिका से रिक्वेस्ट की है F-35A फाइटर प्लेन के लिए। अब ये चीज़ जो है कंफर्म नहीं है, कुछ जगह से खबर आ रही है कि रिक्वेस्ट की है, कुछ जगह से आ रही है कि नहीं की है, तो ये चीज़ें क्लियर अभी तक नहीं है। तो कई जगह जो है मामला अटका हुआ है, अगर हम अमेरिका से लेने की भी कोशिश करें तो ये आसान नहीं होगा। अमेरिका को ये डर रहेगा कि हम जो है रशिया को जो है टेक्नोलॉजी लीक कर सकते हैं। US जो है अपने सिर्फ क्लोज एलाइज को ही ऐसी चीज़ें बेचता है, हालांकि हम जो है अब क्लोज डिफेंस पार्टनर बन गए हैं अमेरिका के, और कई एडवांस चीज़ें जैसे कि अपाचे और UAV जैसी एडवांस चीज़ें जो है अमेरिका अब हमको बेच रहा है। तो अगर हमें अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर प्लेन लेना है तो सबसे पहले तो है हमें रशिया के साथ जो है अपना एग्रीमेंट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा,
उसके बगैर जो है अमेरिका हमें ये नहीं बेचेगा। तो ये रही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की बात। तो अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि हमें जल्दी ही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मिल जाएगा। हमें जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो कैसा एक्शन लेती है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय।